राजनीति दल को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं ला रहा है? लाओ उनको भी, क्या उनका पैसा वो जो मर्जी करेगा, उनका हिसाब नहीं चाहिए जनता को? हिम्मत है मोदी जी पे, तो एक बार सिर्फ एक बार लोकसभा के चुनाव में ईवीएम को हटा दे और बैलेट पेपर पे जरा चुनाव करके दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राफेल जिल में जब मोदी खुद ही फंस गया प्रधानमंत्री, तब उन्होंने आरटीआई को कमजोर कर दिया। जनता की आवाज अन्ना हजारे जनता की आवाज है, पूरे देश की जनता की आवाज है। आप लोग कोई लोग उनके लिए कितना भी आरोप लगा ले, कह रहे हैं कि हम क्या करें, गए तो डकैती डालनी हुई ना, आपने क्यों करा ऐसा डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें तो हमारा भारत वही भारत चाहिए जो भारत पहले था। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के रामलीला मैदान पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे ये पोस्टर देख सकते हैं, राष्ट्रीय लोक आंदोलन, ये अन्ना हजारे के नेतृत्व में ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं रामलीला मैदान में। आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी सारी महिलाएं हैं और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनकी तमाम मांगे हैं भ्रष्टाचार से लेके आरटीआई को लेकर। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार तो सबको है, ले रहा है लोग, सूचना दे रही है सरकार जो भी कर रही है। ऐसा है, सूचना दे रही है, नाम के सूचना है। अभी जो मजबूत सूचना अधिकार था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना था और नवंबर 22 तारीख इसको अमेंडमेंट किया गया था 2005 में, तो उसमें यह किया गया था, इसको बहुत मजबूत बनाया गया था क्योंकि उसमें कई बिंदुआ पंक्तियां छूटा हुआ था, छोड़ा गया था। उसके बाद में अभी सरकार ने क्या कर दी, अपने गलती को छिपाने के लिए आरटीआई को कमजोर कर दी, एक पाव तोड़ दी। अभी एक पाव में चल रहा है, उसका इतना इफेक्ट नहीं है। और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कर दिया, अभी कोई मंत्रालय को लिखिए तो वो बोलता है CPIO, मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एक सेंट्रलाइज गृह मंत्रालय को बना दिया। तो वो गृह मंत्रालय उससे उसको मांग करेगी, उससे उसको मांग करेगी, तब तक जाते जाते ये खत्म हो जाएगी। और इससे जो समय है, सेक्शन 18, सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 5, सेक्शन 6, ये सब कमजोर करके सेक्शन 3 में आते हैं। नहीं, सेक्शन 3 में तो ये नहीं है, सेक्शन 3 में तो आप अपील टू अपील है वो, सेक्शन 7 में जो आता है अप्लाई है फॉर, और सेक्शन 8 में जो आता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा आपका, मैं नहीं मांग सकता हूँ, वो है वो रहेगा। लेकिन इसमें जो कमजोर डायरेक्ट आपको सूचना देने का अधिकार था, उसको खत्म करके CPIO बनाया गया, उससे सबसे बड़ा जनता का ऊपर धोखा हुआ है। कौन कर रहा है, कौन कर रही है, ये सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है या इससे पिछली सरकार थी उसने किया? पिछली सरकार ने तो बना के गई थी आरटीआई को, जो अभी जो सरकार आया था उसने कमजोर किया, तो यही सरकार ने कमजोर किया। लेकिन आपने बड़ा सवाल उठाया है कि आरटीआई कमजोर कर रहे हैं, लेकिन जनता के हिसाब से मोदी जी जो है, केंद्र की सरकार है, वो पावरफुल सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, ठीक है, और वो जो है लोग, मजबूत लोकतंत्र है हमारा भारत, और वो हमें हमेशा मजदूरों के, किसानों के हित में काम करती है। नहीं, ऐसा है, तो आरटीआई में जो कमजोर नहीं किया आपने, बोलते हैं मजबूत है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मजबूत नहीं, ऐसा है कमजोर इसलिए किया है क्योंकि उनको सारा, जब ये जो राफेल डील में फंसे थे सरकार, अब देखिए कमजोर क्यों करना पड़ा, उसका भी आप सुन लीजिए। राफेल डील में जब मोदी खुद ही फंस गया प्रधानमंत्री, तब उन्होंने आरटीआई को कमजोर कर दिया। अब एक सिर्फ जनता जाने और समझे इसको, क्योंकि आरटीआई के जरिए से इंफॉर्मेशन पहुंच गया था, उसके बाद में मोदी खुद फंस गए थे, उसके बाद में इन्हें आरटीआई को कमजोर कर दिया। मोदी जी से हमें समझ नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है, लगातार बीबीसी डॉक्यूमेंट्री निकल रहा है, लोग उसके खिलाफ कह रहे हैं कि बीबीसी, पुलवामा हमला, गोधरा कांड, ये सारे के जिम्मेदार मोदी जी को क्यों ठहराया जा रहा है? मोदी जी को आरटीआई का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है अन्ना हजारे जी ने, इसलिए ठहराया जा रहा है क्योंकि कमजोर क्यों कर दिया, जब जनता का हित में काम करनी चाहिए, जनता का विरुद्ध काम क्यों किया, नंबर वन प्रश्न। नंबर टू प्रश्न ये है, जो राजनीति दल को आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं ला रहा है? लाओ उनको भी, क्या उनका पैसा वो जो मर्जी करेगा, उनका हिसाब नहीं चाहिए जनता को? वो भी जनता का पैसा है, जनता को हिसाब चाहिए, इसलिए राजनीति दल को भी सबको आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। अभी मैं इनका भाषण सुन रही थी, इन्होंने कहा कि हम केजरीवाल को भी उखाड़ के फेंक देंगे, भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को उखाड़ के, आएगा कौन? मेरी बात सुनो,
आएगा जनता, जनता जिसे चाहेगी, जनता की आवाज़ अन्ना हजारे जनता की आवाज़ है, पूरे देश की जनता की आवाज़ है। आप लोग कोई लोग उनके लिए कितना भी आरोप लगा ले, लेकिन हम अन्ना जी के साथ थे, हैं और आज भी हैं। और जो जो सरकारें गलत करेगी, चाहे वो मनमोहन सरकार थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया था, आज मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ये ना समझे कि मैं जबरदस्ती तानाशाही से यहाँ भी कब्जा कर दूँ, वहाँ भी कब्जा कर दूँ, जबरदस्ती करके EBM हैक कर दूँ और उस प्रकार से मैं उद्योगपतियों को, अडानियों को, अंबानियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों पे सारा पैसा पूरे देश का उनके पास जमा करके, और जब चुनाव आते हैं, यार चुनाव के टाइम पे क्या करते हैं, वो लोगों का काम होता है कि मोदी सरकार को पुनः लाना। यदि वो मोदी सरकार नहीं आएगी तो उस दिन वो सारे लोग अडानी अंबानी जेल की सलाखों के अंदर होंगे। सरकार को तो जनता प्यार करती है, मोदी सरकार को तो जनता लाती है। देखिए, मोदी जनता को, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को जनता प्यार करती है, अगर जो जनता प्यार करती है, हिम्मत है मोदी जी पे, तो एक बार, सिर्फ एक बार लोकसभा के चुनाव में EBM को हटा दे और बैलेट पेपर पे जरा चुनाव करके दिखा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। EBM की बात करते हैं, यहाँ डिजिटल हो रहा है देश, जो है डिजिटल हैक हो रहे हैं, लोगों के जितने भी पैसे बैंकों में है सब लोगों के निकाल दिए जा रहे हैं, डकैती पड़ गई, एक गरीब आदमी की जनता के जेब में गरीबी डाल रही है, कोई भी हैकर दे रहा है, किसी का अकाउंट, कोई फोन आ रहे हैं, एक से एक मैसेज आ रहे हैं कि अपना OTP दो, कोई कूद दो, बेचारे को गारंटी नहीं ले रही, सरकार कह रही है कि हम क्या करें, गए तो डकैती डालनी हुई ना, आपने क्यों करा ऐसा डिजिटल, ऐसा डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए हम लोगों को, हमें तो हमारा भारत, वही भारत चाहिए जो भारत पहले था।